the next stanza here, who hath his life from rumors freed, who hath जो रखता है, हैथ का यूज वास्तव में हैज के लिए यहाँ पे हुआ है, लेकिन पोएट लोग हैज के स्थान पे हैथ का भी यूज करते हैं, who hath जो रखता है his life अपना जीवन from rumors freed अफवाहों से मुक्त, rumors means अफवाहें, who hath his life from rumors freed जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, whose consigns जिनकी अंतरात्मा, consigns means होता है अंतरात्मा, whose consigns is his strong retreat जिनकी अंतरात्मा ही उनकी मजबूत निवास स्थान होती है, दृढ़ निवास स्थान होती है, whose consigns is his strong retreat जिनकी अंतरात्मा ही उनकी दृढ़ निवास स्थान होती है, who hath his life from rumors freed जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, whose consigns is his strong retreat और जिनकी अंतरात्मा ही उनकी दृढ़ निवास स्थान होती है, whose state can neither flatterers feed, whose state जिनकी स्थिति, state स्थिति दशा can neither flatterers feed, इसको कुछ लोग neither बोलते हैं, कुछ लोग neither भी बोलते हैं, और ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में इसको neither ही बोला जाता है, वैसे दोनों प्रोनंसिएशन इसका सही है, तो whose state can neither flatterers feed जो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होते हैं, whose state can neither flatterers feed, flatter means चापलूसी करना और flatterer means हो जाता है चापलूस, whose state can neither flatterers feed जो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होते हैं, feed means से प्रभावित होना, nor you make oppressors great और ना ही विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है, इसमें oppressors means होता है अत्याचारी और ruin का मतलब विनाश है, ना ruin make oppressors great और ना ही विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है, तो who hath his life from rumors freed जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, whose consigns is his strong retreat और जिनकी अंतरात्मा ही उनकी दृढ़ निवास स्थान होती है, whose state can neither flatterers feed जो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होते हैं, nor ruin make oppressors great और ना ही विनाश अत्याचारियों को महान बनाता है, नेक्स्ट स्टैंजा है who envies none, envies means होता है ईर्ष्या करना, जलन करना, who envies none जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, whom chance doth raise जिसने मौका पाकर उन्नति किया हो, raise means ऊपर उठना, that means उन्नति करना, एक खुशहाल व्यक्ति कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो मौका पाकर उन्नति किया हो, तो who envies none whom chance doth raise जो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने मौका पाकर उन्नति किया हो, nor vice और ना ही उसकी बुराई करता है, nor vice, vice means बुराई होता है, nor vice और ना ही उसकी बुराई करता है, who never understood how deepest wounds are given with praise जो यह कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, who never understood जो यह कभी नहीं समझता है how deepest wounds are given with praise कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, ना rules of state जिसे किसी राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, ना rules of state जिसे किसी राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, बट रूल्स ऑफ गुड बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है, एक खुशहाल व्यक्ति एक राज्य के नियम की परवाह नहीं करता है बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है, तो हु इनवीज नन हुम चांस डथ रेज जो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने मौका पाकर उन्नत किया हो, नॉर वाइस और ना ही उसकी बुराई करता है, who never understood how deepest wounds are given with praise और जो यह कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, no rules of state but rules of good जिसे किसी राज्य के नियमों की परवाह नहीं होती है बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है,